रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी नाज़रीन, में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हारून। आप देख रहे हैं शान रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन। देखने वाले तमाम हज़रात को लाइव प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बसीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। हज़रत मुफ्ती साहब से अहम सवालात कर रहे हैं और उन सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब देंगे, तो सिलसिला शुरू करते हैं सवालात का। आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से है कि रमज़ान मुबारक में कुछ बड़ी बड़ी जंगें भी हुई थी मुसलमानों और कुफार के दरमियान, उनमें से जो जंगें हुई थी उन पर हज़रत मुफ्ती साहब मुख्तसर अंदाज में रोशनी डालेंगे। तो हज़रत मुफ्ती साहब से ये सवाल करते हैं कि रमज़ान मुबारक में कौन सी जंगें हुई थी मुसलमानों और कुफार के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलफलाह वेलफेयर ट्रस्ट और इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन में जो लोगों के सामने मुख्तलिफ लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, इन हज़रात का शुक्रिया अदा किया करता हूँ कि इन लोगों ने इस महफल में और इसी तरह इस मजलिस में मुझे भी बुलाया और दीन इस्लाम के हवाले से कुछ बातें करने की ख्वाहिश जाहिर की। सबसे पहले बात जो इन लोगों ने की तो वो ये है कि सवाल हमारा आज का ये है कि रमज़ानुल मुबारक में कितनी जंगें लड़ी गई थी और कौन कौन सी जंगें लड़ी गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहली और जो बड़ी जंग मुसलमानों और कुफारों के दरमियान लड़ी गई वो जंग जो थी तो वो जंग बदर थी, और ये भी रमज़ानुल मुबारक में लड़ी गई। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर जो रमज़ानुल मुबारक में जो तज़किरा हुआ तो फतह मक्का जो कि जंग बदर के नाम से मौसूम है, जिसका तज़किरा कुरान करीम में भी है, अगर उस पर कुछ रोशनी डाल दी जाए तो ये बेहतर होगा। देखिए जी, फतह मक्का अलग थी और जंग बदर अलग थी। जंग बदर जो थी तो वो 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में हुई, और फतह मक्का 9 हिजरी और 8 हिजरी के लगभग इसी मौके में हुई है। मुफ्ती साहब, आज का हमारा दूसरा सवाल ये है जो हमारे माशरे से ज़्यादा रिलेटेड है कि ये रोज़ा ये कब फ़र्ज़ होता है, मतलब इसका ये है कि ये बुलूगत के साथ मशरूत है या बुलूगत से पहले, इसकी कितनी उम्र है कि उस उम्र के दौरान जो है ये रोज़ा रखना बच्चों पर ये फ़र्ज़ हो जाता है। देखें जी, उसूली बात ये है कि इस्लाम के वो अहकाम जो लोगों पे फ़र्ज़ हैं उसका ताल्लुक बुलूगत ही के साथ है। जब बच्चा छोटा हो तो उस पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, जो ही वो बालिग हो जाए तो बुलूगत के साथ उस पे जो है वो रोज़े रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाएंगे। इसी तरह नमाज भी उस पे फ़र्ज़ हो जाएगी, अगर उसके पास माल हो तो ज़कात भी उस पे आएगी, इसी तरह हज का मसला भी होगा। अक्सरियत अहकाम जो हैं सब के सब अहकाम इनका ताल्लुक बुलूगत के साथ है, यही वजह है। हाँ, अलबत्ता इतनी बात है कि अगर रमज़ान से पहले बच्चे रोज़े रखें और उनसे रोज़े रखवाए जाएँ, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आदी हो जाएँ, और फिर जब इन पे इनका बुलूगत हो जाए, इनकी बुलूगत हो जाए उस वक़्त ये आदी न होंगे तो हो सकता है कि पहले साल इनसे कुछ रोज़ों में कमी वगैरह हो जाए। इस वजह से अगर पहले से इनको आदी किया जाए तो बेहतर होगा। मसलन 12 साल की उम्र हो जाए, 10 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद ये वैसे भी तो मौसम अच्छा है, इसमें छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो अगर उनसे रोज़े रखवाए जाए, एक रखवाया जाए, फिर 2-3 दिन नागा किया जाए, फिर रोज़ा रखवा दिया जाए, तो इसमें बेहतर ये होगी कि बच्चे हमारे आदी होंगे। वैसे भी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़े रखें, इसे कि वालिदैन को देखते हैं, तो अगर बसा औकात रखवा दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्जियत तब होगी जब वो बालिग हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि माशरे में अपने औलाद की कड़ी निगरानी की जाए कि ये इनकी बुलूगत का वक़्त क्या है, और इसी तरह इनकी उम्र क्या हो रही है, और ये उम्र भी जो होगी तो ये कमरी एतबार से इसका एतबार किया जाएगा, कमरी एतबार को देखा जाएगा कि कमरी एतबार से इस बच्चे की उम्र अगर 15 साल या इसी तरह बच्ची की उम्र 15 साल हो गई और इसके बुलूगत के आसार हमें वो अगर 15 साल से पहले नज़र आ गए तो हम इनको ये कहेंगे कि आप रोज़ा रखें। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये है कि शरीयत मुहम्मदिया में बहुत से उमूर ऐसे हैं जो इसके अंदर दाखिल हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों को एक बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है, इसकी क्या वजह है कि सिर्फ रोज़ों को इतनी बड़ी अहमियत हासिल है? देखिए जी, बारी ताला का फरमान है कलाम पाक में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन,
हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नाजिल किया गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को एक बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कलाम, एक बड़े बादशाह का कलाम तो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कलाम। तो जो कलाम जिस महीने में नाजिल हो, जिस मकान में नाजिल हो, और इसी तरह जिस वक़्त में नाजिल हो, जिस शख्सियत में नाजिल हो, जिन लोगों के साथ उसके अहकाम मुतअल्लिक़ हो, तो वो सब के सब बाबरकत होंगे। इसी यही वजह है कि उम्मत मुहम्मदिया को भी एक बड़ी फजीलत हासिल है, इसी वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक इनकी तरफ जो है वो नाजिल हुआ, रसूल पाक इनके नबी पे नाजिल हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो रमज़ान की बड़ी फजीलत जो है वो यही है कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। और फिर रमज़ान को जो दूसरे रिवायात में फ़ज़ाइल आए हैं रमज़ान में, कि रमज़ान में जब आदमी रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका रोज़ा इंतहाई पसंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा लोगों को दूंगा। तो ये इतने फ़ज़ाइल जो रमज़ान के आते हैं तो इस वजह से आते हैं कि इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, और इसी वजह से दूसरे फ़ज़ाइल भी रमज़ान के लिए ख़ास हो जाते हैं। ये आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर रमज़ान मुबारक के आने से पहले ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही होती है कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के आने से पहले रमज़ान की खुशखबरी देगा तो उसको बाइस सवाब भी समझा जाता है, और उसको एक नई शर्त के साथ मशरूत किया जाता है कि उस शख्स को जहन्नम से निजात भी मिलेगी। यानी मतलब ये है कि जो शख्स रमज़ान के आने से पहले रमज़ान मुबारक की खुशखबरी देगा तो उसको जहन्नम से बरात नसीब होगी। क्या वाकई कोई अहदीसी मुबारक है या मनगढ़ंत वाकया है? देखिए जी, जहाँ तक के ये बात है कि एक आदमी किसी दूसरे को रमज़ान की खुशखबरी दे तो उसकी वजह से उसको जन्नत मिलेगी और इसी तरह जहन्नम से उसको निजात मिलेगी, ये बात अभी तक हमारी नज़र से कहीं नहीं गुजरी, कहीं भी हमने ये बात नहीं देखी, और न इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कहीं देखी। लिहाजा वैसे उलमाए किराम की राय भी ये है कि इस किस्म की हदीस जो है वो मनगढ़ंत है, वैसे लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है, ऐसी कोई हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। लिहाजा जहाँ कहीं भी ऐसा कोई मसला हो और उसमें सोशल मीडिया पे कोई ऐसा वाक़या आ जाए या कोई रिवायत आ जाए तो पहले उलमाए किराम से उसकी मालूमात करनी चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसके बाद उसको आगे नशर करना चाहिए। इसी तरह अपनी तरफ से जो भी बात मिली उसको नशर करें ये मुनासिब नहीं। इस वजह से हम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी तरफ से झूठ बांधने वाले बन जाएंगे अगर हमने कोई मौजूई रिवायत जो है वो नशर की। हाँ, अलबत्ता इतनी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का एहतमाम ऐसे किया करते थे कि इसके चांद भी देखा करते थे, और इस तरह इससे पहले रजब के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी तौर पे ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। इसी तरह अकाबिरीन का भी तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा है कि वो रमज़ान के लिए दुआएं किया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़े नसीब फरमा, इसलिए रमज़ान की तो बहुत बड़ी फजीलतें हैं। और इसके अलावा ये दुआएं भी किया करते थे कि अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान वसल्लम रमज़ान अली व तसल्लम मिन्नी मुतकब्बला, इस किस्म की दुआएं अकाबिरीन रमज़ान ही के लिए किया करते थे। जहाँ तक खुशखबरी की बात है ये वैसे मनगढ़ंत नज़र आ रही है। मुफ्ती साहब, दूसरा रमज़ान मुबारक में एक दूसरी चीज़ का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है कि हर रातों नाइट टूर्नामेंट का अहतमाम किया जाता है या इसके अलावा और नाइट मेले लगाए जाते हैं, तो क्या शरीयत की रूह से ये नाइट मेले जो लगाए जाते हैं, नाइट टूर्नामेंट वगैरह जो होते हैं, शरीयत के नुक्ते नज़र से क्या ये जायज़ हैं? सवाल तो मुआशरे के हवाले से आपने बड़ा अच्छा उठाया है, और बुनियादी मसला ये है जी कि रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दिया है तो इसको गनीमत समझना चाहिए। इसे हर साल रमज़ान नहीं आता, रमज़ान तो हर साल आता है लेकिन हम पे रमज़ान पता नहीं हर साल आएगा या नहीं। कितने लोग हैं जो पिछले साल हमारे साथ रमज़ान में शरीक थे, इस साल रमज़ान में वो नहीं। इसी तरह जो लोग हम इस साल रमज़ान में देख रहे हैं तो क्या हमें यकीन है कि आइंदा साल हम रमज़ान में होंगे? तो अगर हमें इस बात का यकीन है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी पे इंतहाई भरोसा है। तो जिसको अपनी ज़िंदगी पे इंतहाई भरोसा हो कि मैं ज़िंदा रहूँगा तो अपने आबाव अजदाद की तरफ़ देख ले कि उसके आबाव अजदाद कहाँ गए,
वो भी जो है वो मिट्टी के अंदर दफन है, अभी नज़र नहीं आ रहे, ज़मीन के नीचे हो गए। इस वजह से रमज़ान को गनीमत जानना चाहिए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियों का एक मौसम है। इसमें अगर हम दिन के वक्त सोए रहें और रात के वक्त, दिन के वक्त भी इबादत से गाफिल, रात के वक्त जो है वो भी गफलत में रात का वक्त गुजार दिया करें, और इसी तरह गेमों वगैरह में इसी और खेल कूद में हम इसको गुजार दें, हम इबादत न करें, तो ये हमारी बड़ी बदबख्ती होगी। रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस आदमी पर रमज़ान का महीना गुजर गया और उसमें इसकी बख्शिश न हुई तो ये इंतहाई बदबख्त आदमी है। इस वजह से रमज़ान के महीने में खेल कूद की बजाय अपने दूसरे मामूलात सब छोड़ दिए जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो जाए बंदा, और रमज़ान के रोज़े रखें, दिन के वक़्त भी और इबादत का अहतमाम, तिलावतों का अहतमाम, ज़िक्र असकार का अहतमाम, इसी तरह रात के वक़्त भी अगर आदमी को नींद नहीं आती तो उसकी बजाय तिलावतों का अहतमाम करें, तिलावत के साथ साथ तहज्जुद का अहतमाम करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता रहे, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें। और रिवायत में आता है कि अल्लाह रब अत्तायबु मिन ज़म्ब का मल्ला ज़म्ब लहू, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने सिरे से कोई गुनाह ही नहीं किया, गोया कि वो आज ही पैदा हो गया, उसने सिरे से कोई गुनाह ही नहीं किया। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गड़गड़ाएँ, अपने आंसू बहाएँ, गेमों वगैरह इसी तरह दूसरे मसरूफियात को छोड़ दें, और अगर दूसरी मसरूफियात हमारी ऐसी हो कि जिसको छोड़ना बिल्कुल वो मुनासिब ना हो, मतलब उसका ताल्लुक हमारी माश के साथ हो, तो उसमें कमी की जाए। इसके अलावा दिनों में हम उसको, मसलन हम ड्यूटी किया करते थे 12 घंटे, हम उसको निसफ कर दें, 6 घंटे तक अपनी ड्यूटी कर लें, और रमज़ान के आमाल की तरफ, अपने आमाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, सिर्फ रमज़ानी न बने, रब्बानी बने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाएंगे। एक आंसू बहाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी आंसू पर हमसे खुश हो जाएंगे, हमारे तमाम गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देंगे। क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ सब कुछ हैं, इसलिए फरिश्ते मौजूद हैं, वो तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ सब कुछ है, एक आंसू नहीं है इंसान के, आंसू नहीं है, इंसान आंसू बहाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई आंसू इस वजह से ज़्यादा खुश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ आंसू नहीं है, इसलिए फरिश्ते तो गुनाह नहीं करते तो वो आंसू कैसे बहाएँ। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त पूरी कौम से ये है कि वो रमज़ान के महीने में दूसरे खेल कूद को छोड़ दें और उसकी बजाय जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि देने का। हजरात से फिर यही इल्तिमास है कि जो मसाइल भी आपको दरपेश हो, हमारे चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे फेसबुक पर कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं ताकि आपके मसाइल और उनका हल जी बर वक्त मुमकिन बना जा सके।